हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिसर्च का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड ये हमारी यूनिट सेकंड है एनटीए नेट एग्जाम की, और इस चैनल पर मैं आपको पेपर वन एंड पेपर टू कंप्लीट सिलेबस अवेलेबल कराऊंगी। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड का नेक्स्ट टॉपिक। और इसके अंदर जो है हमने लास्ट वीडियोज के अंदर 6 स्टेप हमारे कंप्लीट किए हैं और हम 6 स्टेप अभी कर रहे हैं। 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर भी हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ लिया है कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब जो है हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा के बारे में स्टडी करेंगे एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव यानी कि जैसे कि मैंने आपको जो है लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि क्वेश्चनरिंग जो है वो 2 टाइप की होती है। क्वेश्चनरीज जो है 2 टाइप की होती है, या तो ऑब्जेक्टिव ओपन एंडेड होती है, क्लोज एंडेड होती है। तो ओपन एंडेड कौन सी होती है, यानी कि वो सब्जेक्टिव होती है, उसके अंदर आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आपका जो भी आपके मन में है वो आप बता सकते हैं। क्लोज एंडेड क्या होती है कि वो आपकी ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस्ड होती है, यानी कि उसके अंदर क्या है कि आपको येस और नो के अंदर ही आंसर देना होता है। तो इसी तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा पूछा है। क्या होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि फैक्ट के ऊपर बेस होगा, किसी तथ्य के ऊपर बेस रहेगा ये, इसको हम आसानी से माप सकते हैं, यानी कि मेजरेबल है ये, ऑब्जर्वेबल है, यानी कि इसको हम नोटिस भी कर सकते हैं, ध्यान भी दे सकते हैं इस चीज के ऊपर, और इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सिंगल पर्सन ओपिनियन, किसी एक सिंगल इंसान के ओपिनियन, यानी कि उसकी क्या सोच है, क्या विचार है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, किसके, एक पर्टिकुलर इंसान के ओपिनियन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। और इसका एग्जांपल जो है यस या नो या फिर ट्रू फॉल्स, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम ऑब्जेक्टिव डाटा कहेंगे। ऑब्जेक्टिव डाटा कौन सा होता है, यानी कि जिसको जो सबसे पहली चीज है कि वो किसी फैक्ट के ऊपर बेस होगा, किसी तथ्य के ऊपर बेस होगा, उसको हम आसानी से माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इजीली हम देख कर नोटिस कर सकते हैं उस चीज को। और या फिर जैसे कि क्लास के अंदर टीचर पूछता है कि किन किन बच्चों को टेस्ट आता है, तो मान लेते हैं कि 10 बच्चों ने हाथ उठाया, 30 बच्चों की क्लास है, तो इट मीन्स वो क्या है, हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतने बच्चे जो है तैयारी नहीं करके आए। नेक्स्ट जो होता है ये ट्रू और फॉल्स, या फिर हमारा जो है यस और नो के ऊपर डायरेक्ट आंसर आपसे पूछा जाता है, और किसी भी एक सिंगल पर्सन के ओपिनियन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा। वहीं अगर हम सब्जेक्टिव डाटा की बात करें तो ये डिपेंड करता है रिसर्चर के ऊपर, यानी कि जो रिसर्च कर रहा है वो किस तरीके से डाटा कलेक्ट कर रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। साथ के साथ ये इंडिविजुअल के ओपिनियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, उसके ऊपर भी क्या है ये बेस है। और एग्जाम्पल इसका वही है, जैसे कि डिफाइन करो नेट एग्जाम क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप जो है अपनी मर्जी से जो आंसर आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये हमारा जो डाटा होता है ये कौन सा होता है, सब्जेक्टिव डाटा हम इसे कहते हैं, यानी कि हम अपने ओपिनियंस को उसके अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में स्टडी करते हैं कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव क्या होता है। सबसे पहले आता है क्वालिटी, यानी कि क्वालिटेटिव बोला तो क्वालिटीज के बारे में ही डिस्कस करेगा, यानी कि ऐसा डाटा जो किसी पर्टिकुलर चीज की क्वालिटीज आपको बताएगा, उसके गुण बताएगा कि अगर आप कुछ किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके क्या गुण हैं आपको या क्या अवगुण हैं, ये चीजें बताएगा, यानी कि क्वालिटीज बताएगा किसी भी पर्टिकुलर डाटा के रिगार्डिंग। और क्वांटिटेटिव यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितनी है, क्या उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है, भाई 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1000 ग्राम है, तो ये क्या होता है क्वांटिटेटिव, यानी कि एक पर्टिकुलर डाटा की क्वांटिटी बताना, उसको हम क्वांटिटेटिव डाटा कहेंगे। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, डिस्क्राइब थिंग्स विदाउट यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि बिना न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि 1, 2 ऐसे कुछ भी, मतलब नंबर्स, बिना नंबरों का इस्तेमाल किए कुछ किसी भी चीज के बारे में डिस्क्राइब कर देना, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव, यानी कि यहाँ पे हम गुणों की बात कर रहे हैं, गुण या अवगुण, क्वालिटीज की बात हो रही है, यहाँ पर किसी नंबर के थ्रू किसी भी चीज को मापा नहीं जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया गया है, फैक्ट्स जो है जनरेट किए गए हैं फ्रॉम द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि कुछ तथ्य हैं वो हमने जनरेट किए हैं, हमने जो है फाइंड आउट किए हैं किसी एक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू से। आप जैसे कि कहीं पर आप न्यूज रिपोर्टर को देखें, तो न्यूज रिपोर्टर क्या करता है, क्वेश्चन पूछने आता है पॉपुलेशन से, और वो क्या करता है, अलग अलग किसी भी इंसान से क्वेश्चन पूछ रहा है,
फिर वो उसके बेस पर एक डाटा जो है अपना कलेक्ट कर लेता है, तैयार कर लेता है एंड रिपोर्ट बना देता है। तो क्वालिटेटिव डाटा हमारे क्या होता है, ये एक विदाउट यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज का, बिना यूज किए हम किसी भी डाटा को के बारे में कुछ डिस्क्राइब करें या कलेक्ट करें उसको हम क्वालिटेटिव डाटा कहेंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव डाटा, यानी कि रेडी फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। अब हम यहाँ पे जो है ना स्टैट्स का यूज कर सकते हैं, ये जो डाटा होता है क्योंकि ये नंबर के ऊपर बेस होता है, स्टैट में हम क्या पढ़ते हैं कि नंबर्स, यानी कि स्टैटिस्टिक बेस ही किस चीज के ऊपर है, नंबर्स के ऊपर बेस है। तो आप जो है ये रेडी होता है किसके लिए, स्टैटिकल एनालिसिस हम इनके ऊपर कर सकते हैं कि भाई कितना बड़ा जैसे कि डिमांड है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई या कितने परसेंट डिक्रीज हुई, हम जो है डाटा से कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं। नंबर्स आर यूज डायरेक्टली टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स, किसी चीज की प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाने के लिए हम डायरेक्टली किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं। जहां पर नंबर्स आ जाएंगे, काउंटिंग आ जाएगी, जहां पर वो डाटा हमारा कैसा होगा, वो क्वांटिटेटिव होगा। जहां पर नंबर्स मिसिंग है वो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होगा। आपको ये नॉर्मल सा डिफरेंस है कि जहां पर क्वालिटीज की बात होगी, अब आपके गुण क्या है अगर हम देखें कि भाई हम अच्छे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, छोटे हैं, ये हमारे गुण या अवगुण हैं, ठीक है। और ये अब हम ये थोड़ा ना बता सकते हैं कि हम कितने लंबे हैं किसी और से, या फिर मतलब हम बता सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या है नॉर्मल एनालिसिस कर रहे हैं कि ठीक है ये इस पॉपुलेशन के अंदर ये लोग जो है मोटे हैं, इस ग्रुप के लोग छोटे हैं, इस ग्रुप के लोग जो है लंबे हैं। हम डायरेक्टली क्या है किसी मतलब कि पर्टिकुलर नंबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि कौन 6 फिट का है, कौन 8 फिट का है, कौन 4 फिट का है, हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जहां पर जो है ओनली हमारे गुणों के बारे में बात होगी वो क्वालिटेटिव, और जहां पर नंबर्स आ जाएंगे यानी कि हमारी हाइट आ जाएगी कि 5 है हाइट, 5'10" है हाइट, जो भी हमारी हाइट है अगर वहां पर नंबर आ गया तो वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस था, होप सो आपको जो है समझ आया होगा। 6th स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाए इसी के साथ कि किस तरीके से हमें जो है डेवलप करना है डाटा कलेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, कहाँ कहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये हम चीजें देखेंगे कि हमें किस टाइप का डाटा कलेक्ट करना है हमारी रिसर्च के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।